नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचजे न्यूज़। रणवीर सिंह के एक्शन का जादू चल रहा है, बरकरार भी है। सिम्बा रिलीज हो चुकी है, सिम्बा डे 2 के कलेक्शन की आज बात करते हैं। रणवीर सिंह की एक्शन ड्रामा फिल्म सिम्बा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इस फिल्म ने पहले दिन 20,72,00,000 रुपए का बिजनेस किया और दूसरे दिन भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी, ऐसा माना जा रहा है। रणवीर सिंह की एक्शन ड्रामा फिल्म सिम्बा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाई जा रही है। पहले दिन 20,72,00,000 का शानदार बिजनेस किया। पहले दिन के कलेक्शन को देखते हुए माना जा रहा है कि दूसरे दिन 26 से 30 करोड़ की कमाई कर सकती है। वैसे पहले दिन की कमाई के मामले में रणवीर सिंह ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। दरअसल फिल्म के जरिए एक्टर रणवीर सिंह ने अपनी कई फिल्मों के फर्स्ट डे कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुंडे और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए रणवीर सिंह की ये फिल्म पहले नंबर पर आ चुकी है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी मसाला फिल्म ने रणवीर सिंह की ही फिल्म पद्मावत जो 19 करोड़ कमा गई थी, गुंडे 16,12,00,000, गोलियों की रासलीला रामलीला 16 करोड़, बाजीराव मस्तानी 12,80,00,000 के फर्स्ट डे कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ा है। ओवरसीज में सिम्बा की कमाई 13 करोड़ है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस कमाई के आंकड़े इंटरनेट पर जारी किए हैं। फिल्म की सफलता साफ नजर आ रही है, क्रिटिक्स ने फिल्म को सराहा है। आमतौर पर फिल्म को दर्शकों ने कितना पसंद किया ये शनिवार को हुई कमाई दर्शाती है, क्योंकि शुक्रवार को फिल्म के बारे में आए कमेंट पर ही आगे की कमाई तय होती है। सिम्बा की कमाई शानदार होगी, इस बात की गवाही मेट्रो सिटी में देर रात शो हाउसफुल जाने से जाहिर हो रहा था। क्या है फिल्म की स्टार कास्ट? फिल्म में रणवीर के साथ सारा अली खान है जो सिम्बा के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा सोनू सूद है जो विलेन का लीड रोल प्ले कर रहे हैं। सारा अली खान की ये दूसरी फिल्म है, इससे पहले वो अभिषेक कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म केदारनाथ में भी काम कर चुकी हैं। अगर आप रणवीर को पसंद करते हैं, उनके फैन हैं, तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट दे कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।